अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं और ये उस सिलसिला की हमारी सेकंड वीडियो है। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि वहाँ पे हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं उनके डेरिवेटिव्स हम कैसे मालूम करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेरिवेटिव मालूम करने के लिए स्पेशली जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमें 6 बेसिक फार्मूलाज पता होना चाहिए और वो हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या है और इनके प्रूफ्स भी हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल हम इनको प्रूफ कैसे करते हैं। तो होप कि 6 फार्मूलाज आपको याद हो चुके होंगे कि जहां पे sin x का डेरिवेटिव लें हम cos x लिख देंगे, cos x का डेरिवेटिव लें तो minus sin x एंड सो ऑन। तो यही 6 बेसिक फार्मूलाज हम यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक की फार्मूलाज के अलावा जो डिफरेंशियल हम देंगे फंक्शंस के हवाले से वो जो हम प्रीवियसली फार्मूलाज पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, क्वोशेंट रूल एंड सो ऑन, वो सारे के सारे फार्मूलाज हमारे साथ वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, हम उन सारे फार्मूलाज को भी यूज करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं कि उसमें क्या डिमांड है हमारे क्वेश्चंस की और उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। आपने जस्ट उसका डेरिवेटिव वाई जो एक फंक्शन में दिया हुआ है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव मालूम करना है। टू पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। सो अगर मैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है y is equal to x cos y। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तभी हम dy ओवर dx मालूम कर लेंगे। मैं इस सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, लेफ्ट पे y को डिफरेंशिएट करेंगे तो इट बिकम्स dy ओवर dx। राइट पे वो डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा देते हैं, d ओवर dx होगा x cos y। इसका भी अब हमें डेरिवेटिव लेना है। अब अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे टू फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला फंक्शन x है उसको हम फर्स्ट फंक्शन कह देते हैं, सेकंड फंक्शन इज cos y। सो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास है और प्रोडक्ट के लिए हमें पता है कि आप डेरिवेटिव जब ऐसे फंक्शंस के लिए जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं, वो क्या है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आप फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर dx ऑफ cos y हो जाए, फिर दरमियान में प्लस का साइन क्लोज करते हैं और सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं व्हिच इज cos y और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे व्हिच इज x। तो हमने फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड सेम एंड फर्स्ट डेरिवेटिव, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने इसको इस पे जो डेरिवेटिव का रूल है वो अप्लाई कर दिया। अब हम डेरिवेटिव ले लें फंक्शंस का, x तो सेम है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव चाहिए हमें, वो जो फार्मूला हम ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ चुके हैं उसमें हमें पता है कि cos का डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन आता है। आप जहाँ पे cos x है इसका जब आप डेरिवेटिव लिखेंगे cos y है इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, cos के लिए माइनस साइन। अब वेरिएबल जो फंक्शन में इन्वॉल्व है वही आप डेरिवेटिव के बाद ले आएंगे, y cos था तो हम माइनस ऑफ साइन y, अगर तो ये x होता और x के अकॉर्डिंगली आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो हमारा वो डेरिवेटिव आ चुका था, लेकिन अब फॉर्म पे वेरिएबल y है और हम उसकी जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x को फॉर्म कर रहे हैं तो y तो फंक्शन ऑफ x हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, तो अगर अदर देन x हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल हो उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। अब वेरिएबल y है तो हम y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx। सो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन लिखा हमने और ये वेरिएबल y एज इट इज शिफ्ट कर दिया और फिर y का दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मिस नहीं करना हमने। जब y में फंक्शन है तो y का दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद आगे देखिए कि प्लस cos y को हमने वैसे ही लिखा हुआ था विदाउट डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव चाहिए था x के रिस्पेक्ट से तो x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाता है, ये d over dx of x हमारे पास 1 है। अब लेफ्ट पे भी dy over dx चल रहे हैं और राइट पे हो गया है कि माइनस x sin y और साथ होंगे dy over dx प्लस ये cos x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज cos x। सो अब dy over dx आपकी इक्वेशन में दो दफा इन्वॉल्व हो गया, एक दफा तो लेफ्ट साइड पे आ रहा था और एक दफा राइट साइड पे भी चूंकि y का फंक्शन था तो एक और dy ओवर dx की मॉल हो गया। अब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम ये dy ओवर dx वाली टर्म्स एक ही जगह पे इकट्ठी कर लेंगे, मैं दोनों टर्म्स को लेफ्ट पे ले जाता हूं,
लेफ्ट पे ऑलरेडी लिखा हुआ था डी वाई ओवर डी एक्स, ये जो डी वाई ओवर डी राइट साइड पे था इसको लेफ्ट पे ले जाते हैं, ये चूंकि माइनस में थी टर्म इसको लेफ्ट पे ले जाएंगे तो जाके प्लस हो जाएंगे। टर्म क्या थी x sin y और साथ था डी वाई ओवर डी एक्स, तो जो राइट साइड पे डी वाई ओवर डी एक्स वाला फैक्टर था उसको भी हमने लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया। राइट पे हमारे पास एक ही फंक्शन रह गया वो है cos x। अब लेफ्ट पे दो टर्म्स ऐसी हैं जिसमें dy ओवर dx है तो दोनों से आप dy ओवर dx कॉमन लेनी चाहिए, सो ये हमने dy ओवर dx दोनों से कॉमन ले लिया। अगर मैं कॉमन लूं तो ये तो कॉमन चला गया, इसकी जगह पे 1 प्लस x और sin y, सेकंड फंक्शन से अगर आप dy ओवर dx कॉमन लेंगे तो ये x और sin y रह जाएगा, ये हमने कॉमन ले लिया। और राइट साइड पे हमारे पास एज इट इज cos x, टारगेट तो हमारा है जी dy ओवर dx फाइंड आउट करना, तो जो फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको राइट साइड पे ले जाएं और डिवाइड कर दें, cos x को डिवाइड कर देंगे 1 plus x sin y, सो ये हमारा वो टारगेट है dy ओवर dx नॉट इन जी, ये सॉल्यूशन है हमारा। सेम इसी पैटर्न पे हम उसके सेकंड पार्ट को लेके चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास y की फॉर्म में ले लिए क्वेश्चन, x इज इक्वल टू y sin y। अब यहां से भी टारगेट हमारा वही है कि आप dy ओवर dx मालूम कीजिए, तो हम इसको भी डिफरेंशिएट, इसमें y वाले टर्म्स इन्वॉल्वड है, ऐसे नहीं है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू समथिंग ऐसे नहीं लिखा हुआ, और x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y लिखा हुआ है, तो हम इसको वैसे ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट पे भी आप डिफरेंशियल ऑपरेटर ले लें d ओवर dx, लेफ्ट पे x लिखा हुआ है तो x का डेरिवेटिव, और राइट पे d ओवर dx होगा y sin y का, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लें तो 1 आ जाएगा। अब राइट साइड पे चूंकि टू टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करना पड़ेगा, एक y है और दूसरी टर्म हमारे पास sin y, तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही और सेकंड का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन वाई, फिर प्लस का साइन इन्वॉल्व करते हैं हम सेकंड फंक्शन सेम, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी ओवर डी एक्स होगा हमारे पास वाई, तो फर्स्ट सेम सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम एंड फर्स्ट डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई ओवर डी एक्स, सो लेफ्ट पे वन है। अब हमारे पास वाई, अब डेरिवेटिव ले लिया हमने साइन का डेरिवेटिव, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, एंगल यही जो इन्वॉल्वड है वाई, लेकिन अदर देन एक्स हो तो उसका दोबारा डेरिवेटिव वाई का दोबारा डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, सो साइन का डेरिवेटिव तो कॉस वाई आ गया लेकिन वाई का दोबारा डेरिवेटिव देंगे व्हिच इज डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस ये साइन वाई तो हमने वैसे ही लिखा हुआ था इसके साथ तो डेरिवेटिव का ऑपरेटर नहीं, और आगे डेरिवेटिव y का आपने लेना है और जो कि यही होता है dy ओवर dx। अब फिर आप देखिए दोनों फंक्शंस में राइट साइड पे dy ओवर dx क्लियर हो गया, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारे पास 1 और राइट साइड से अगर मैं dy ओवर dx कॉमन लूं तो फर्स्ट टर्म में रह जाएगा y एंड cos y प्लस ये dy ओवर dx, अभी हम कॉमन ले लेंगे, सेकंड में से ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएंगे sin y, और दोनों से हमने कॉमन ले लिए dy ओवर dx, और टारगेट भी हमारा यही है कि जब हम dy ओवर dx को कैलकुलेट करें उसके साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर देते हैं, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट पे 1 से आगे डिवाइड हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय y cos y plus sin y, और राइट पे हमारे पास रह जाएंगे dy ओवर dx, तो यही हमारा टारगेट था कि आप dy ओवर dx को कैलकुलेट करें, सो दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हैं, यहां पे वेरिएबल मिक्स्ड हैं आपस में, सो आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है और जहां पे y का फंक्शन आए उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव तो ले, लेकिन अगर एंगल में y इन्वॉल्वड है तो उस y की वजह से उस एंगल का दोबारा डेरिवेटिव dy ओवर dx होगा, सो यही एक बेसिक जो है वो न्यू कांसेप्ट है यहां पे कि अगर आपके पास y एज एन एंगल इन्वॉल्वड है तो आप उस y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे व्हिच इज dy ओवर dx।